Hey guys, what's up? This is one and only Dipanjan and you guys are watching another Dan Dipangama. पहले इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लो हाँ आर आई आई डी एंड आज का जो ब्लॉग है इट्स ऑल अबाउट रॉयल एनफील्ड जीटी 650. बहुत दिन पहले चलाए थे इंटरसेप्टर 650. वो चलाने के बाद आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट करके डीएम करके इंस्टाग्राम में मेल भेज के बोले थे जीटी 650 चला के बताओ भाई. सो आई एम नॉट अ रिव्यूअर बट आई विल बी पुटिंग माय इंप्रेशन ऑन जीटी 650. अभी आई एम थैंकफुल टू ईस्ट इंडिया एग्रोस प्राइवेट लिमिटेड फॉर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू राइड देयर बाइक. अभी चलो चलते शोरूम की तरफ, पिक करते बाइक, बनाएंगे वीडियो और क्या. आप लोग एंजॉय करते रहो एंड डायरेक्ट जाके मिलते हैं शोरूम में. सो लेट्स गो. एक चीज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इस जीडी 650 में. देखो इंटरसेप्टर 650 में इंजन आपका पाँव में लगता है जस्ट बिकॉज फुट पेक्स के पोजीशनिंग थोड़ा सामने है. लेकिन देखो इधर नो इश्यू, नॉट एन इश्यू भाई. एंड इसका सीट हाइट थोड़ा लो है एंड इफ यू आर अ शॉर्ट राइडर लाइक मी देन इट्स मोर कम्फर्टेबल दैन इंटरसेप्टर. अभी चलो थोड़ा बहुत फिल्टर मारते. इट्स इजी टू फिल्टर विद दिस बीस्ट एंड हो सकता है कि बाइक थोड़ा बहुत हैवी वेट है लेकिन आप जब चलाओगे ना बाइक तो फील नहीं करोगे इतना हैवी वेट है. I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. गियरशिप तो बहुत ही स्मूथ है एंड क्या बताएं ये सब चीज को लेके. ये सेम चीज में बोला हूँ इंटरसेप्टर 650 के टाइम पे. सो ये सारे चीज तो सेम ही है. सो आई एम जस्ट एंजॉइंग एंड शोइंग यू गाइस ऑल द शॉट्स एंड ऑल द स्टफ्स एंड जो चीज लग रहा है कि हम बताना चाहिए वो बता रहे. एंड अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अ रिव्यूअर. आई एम जस्ट पुटिंग माय इंप्रेशन इन दिस मशीन. दिस मशीन कैन पुल फ्रॉम द फोर्थ गियर आराम से भाई. अगर फोर्थ गियर में आपका स्पीड होगा 10 बट स्टिल इट विल पुल. तो और कैसा ही है भाई. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you said myself. But this is the last time. It's wrong, I can't make right. Suspension से ना मेरे को थोड़ा बहुत सॉफ्ट लगा जस्ट बिकॉज ये एग्रेसिव मशीन है भाई. ट्रैक के लिए बना हुआ है, स्पीड के लिए बना हुआ है तो ऐसा सॉफ्ट होगा तो दिक्कत डेफिनेटली आएगा. बट स्टिल अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस जीटी 650 एंड इंटरसेप्टर 650 ऑफ रॉयल एनफील्ड दैट यू कैन सेट योर सस्पेंशन बाय ओन. जैसा सेटअप चाहिए वो कर सकते हो आप. तो इट्स अ एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप सो दैट्स ग्रेट. एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला कि सिटी से बाहर लेके थोड़ा बहुत आराम से चला के बताए. ठीक है आप सिटी कंडीशन में ही देख लो हर चीज़. एंड इंटरसेप्टर के टाइम में सेम ही चीज़ हुआ था. मेरे को टाइम नहीं मिला था इसलिए मैं सिटी में चला रहा था. तो आज भी सेम ही चीज़ पर ठीक है. आप लोग एंजॉय अगर कर रहे हो तो क्या करना है आप लोगों को बताए. लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो. ज़्यादा ही चला लिया ट्रैफिक कंडीशन में. फॉर दैट रीजन भाई आई कैन फील द हीट ऑफ द बाइक राइट नाउ एंड ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है कोलकाता में. जान 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 I'm
अभी टाइम है GT 650 का एग्जॉस्ट नोट सुनाने का, लेकिन इट इज सिमिलर एज इंटरसेप्टर 650, बट स्टिल सुन लो भाई, स्टॉक साउंड है, ऑनेस्ट प्लीज। Cause you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't be crying. जब इंटरसेप्टर चलाए थे इधर आके ही बोले थे कि थैंक यू सो मच चौड़ा जान तीर्थो, आज तो तीर्थो नहीं है, तो थैंक यू सो मच चौड़ा जान अनीश। ये जो सिनेमैटिक शॉट देखे ये इन लोगों ने लिया है, तो कोई बात नहीं भाई, अभी एक काम करो, बाइक का थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शॉट दिखाते, उसके बाद जो चीज और भी लगेगा वो भी बताएंगे, और क्या उसके बाद देना पड़ेगा भाई, मैं देखा वो मन ही नहीं करता है। सैड मोमेंट ऑफ द डे, सो उनके पास फिर से दे देना पड़ेगा ये GT 650, लगता है कि मेरे पास ही रख दूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्या करें। आफ्टर राइडिंग इट फॉर सम टाइम्स आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील सम डिफरेंस इन बिटवीन इंटरसेप्टर एंड GT 650। देखो GT 650 एक ऐसा मशीन है, सो मशीन इज नॉट फॉर द टूरर, सो इफ यू आर अ टूरर देन दिस मशीन इज जस्ट नॉट फॉर यू, गो फॉर इंटरसेप्टर 650। जैसे कि मेरे को पसंद ज्यादा आया इंटरसेप्टर 650 rather than GT 650, because देखो मेरे कैटेगरी के अंदर GT 650 नहीं आता, this is so aggressive and आपका wrist pain होगा, back pain होगा थोड़ी देर चलाने के बाद, अभी मेरा थोड़ा थोड़ा हो रहा है, so for all those stops I selected for going with Interceptor 650। इसका foot pick से positioning अच्छा है, उसके ऊपर this is more aerodynamic and for this kind of handlebar आपको ज़्यादा से ज़्यादा confidence आएगा when you are riding your bike so hard, when you're pulling your bike so hard। बाकी सब कुछ सेम है, इंटरसेप्टर 650 की जैसा सब कुछ सेम है, तो आप खुद आके डिसाइड कर लो कौन सा बाइक आपके लिए है, आप पहले टेस्ट राइड लो, दोनों बाइक का टेस्ट राइड लो, इंटरसेप्टर 650 का एंड उसके बाद GT 650 का, उसके बाद डिसाइड करो कि कौन सा बाइक आपके लिए है। मेरे लिए तो वह इंटरसेप्टर 650 मस्त है, GT इज नॉट फॉर मी, GT इज जस्ट नॉट फॉर मी। टाइम टू से गुड बाय टू दिस बीस्ट एंड दिस इज रॉयल एनफील्ड शोरूम। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वाला शोरूम सही है तो कुछ नहीं भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो हर एक डिटेल से। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रॉयल एनफील्ड GT 650। अगर अच्छा लगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक कर दो, ये वाला शोरूम में आना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, टेस्ट राइड लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड थैंक यू सो मच अनीश एज ऑलवेज। सो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे एंड करते हैं आज का ब्लॉग, आज का वीडियो, तो जो करना सोच समझ के करना, बिना सोच के कुछ मत करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत ही मेहनत करके इतना कम टाइम इंटरवल में डाल रहे वीडियो, सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई, वही तो चाहिए और कुछ नहीं।